हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10 की, डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी पटन की हर्षरूप शर्मा है, और अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन थे वो आपको बताए जा रहे हैं। ऊंचाई दूरी के आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। मैंने आपको क्वेश्चन 9.A में से आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, आपको 12 नंबर 13 नंबर तक बताए थे। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज मैं उसको आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और शुरू करने से पहले आप लोग कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके हमारे पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्या, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखते देखते भी लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीरा लिखा हुआ 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास। थोड़ा सा इसको मैं जूम कम कर देता हूं क्योंकि जूमिंग ज्यादा इस वजह से आपको दिख नहीं रही होगी। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पूरा का पूरा। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। जी आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। देखिए हम जानते हैं एक हमें क्या भवन बनाना है, हमने भवन बना लिया। देखिए भवन का निर्माण कर रहे हैं, मान लिया हमने ये भवन बन गया। अब भवन के शिखर के, भवन का जो शिखर है ऊपर के टावर, भवन के शिखर के ऊपर टावर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है हमारा। ये देखो 60 डिग्री बन गया। और इसके पाद का अवनमन कोण, जो इसी का जो अवनमन कोण है, पाद मतलब इसके नीचे से इधर से आएगा ऐसे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ऐसे आएगा, ये कितना दे रहा है हमारा 45 डिग्री। ठीक, अगर ये 45 है तो इधर वाला भी हमारा 45 होगा, हम जानते हैं। तो ये जो ऐसे जो दिया हुआ है इसको हमने बना लिया। अब यहां से जो भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 मीटर है जी, और यहाँ की हमें ऊंचाई, ये शिखर की ऊंचाई ज्ञात करना है जी। हमने पॉइंट मान लिए ए बी सी डी और ई, यहां नहीं पता, यहां पे हमने एक्स मान लिया, एक्स मीटर है। देखेंगे माना टावर की ऊंचाई क्या हमारे पास है, एच मीटर है। ठीक, एच मीटर मान ली। अब जब एच मीटर मान ली है तो अब क्या समकोण त्रिभुज हमारा देखो बन रहा है, एक जे और जे जे बन रहा है। हमें ये पता है यहां से जे 7 है तो इधर पे भी 7 ही होगी, तो लंब आधार पता है यहां से निकाल लेंगे, तो समकोण त्रिभुज डी ए ई में, समकोण त्रिभुज डी ए में तो आ जाएगा 10। अब समकोण त्रिभुज डी ए में ले लेंगे तो 10 45 बराबर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ए बी सी लेना है समकोण त्रिभुज, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी क्षमा चाहते हैं। त्रिभुज आ जाएगा हमारे पास ए बी सी ले लेंगे, जब ए बी सी लेंगे 10 45 आ जाएगा, 10 45 लंब बटे क्या आ जाएगा आधार 7 बटे x, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। ठीक, x का मान मिल गया, अब हमें x मिल गया, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 रहेगा हमारे पास। अब देखिए ये निकाल लेंगे तो अब आ जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज एक और बन गया, दूसरा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी ई। अब ए डी डी ले लेंगे तो यह आ जाएगा 10 60 बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, तो यह टेन 60 का मान होता है हमारे पास √3, यह आ जाएगा h बाई 7, h बराबर आ जाएगा हमारे पास, h बराबर आ जाएगा हमारे पास 7√3, 7√3 आ जाएगा, तो 7√3 यहाँ पे रख देंगे हमारे पास मान मिल जाएगा, h का मान आ गया 7√3 हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे इस डायग्राम पे रखेंगे h मीटर, सेवन रूट थ्री हमें निकालना है, पूरी टावर निकालना है,
हमें क्या टावर पूरे की ऊंचाई निकालना है, लिख लेंगे हम। अतः केवल टावर की ऊंचाई कह रहा है हमारे पास 7 प्लस का 7 रूट, फिर तो जाएंगे 7 1 प्लस का √3, हमारा देखो आंसर आ गया मीटर। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अब बताते हैं आपको इसी का 15 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान है 15 नंबर भी क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। लिखा एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश का स्रोत उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि आप बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आसानी से आप लगा सकते हैं। सिंपल वे में हमने एक मकान बना लिया, जिसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हमने बनाया जैसे वो मकान की हमने एक दीवार बना ली, अजी हमने क्या बना लिया, शिखर बना लिया इसका पाद। अब देखिए जी हमारी बन गई, प्रकाश स्रोत यहाँ पे है हमारे पास, प्रकाश पुंज मान लिया, ये मकान की दीवार है ठीक। यहां से हमारा एंगल जो बन रहा है क्या, एक नदी किनारे मात के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण जो छोटा होता है वो इधर ले लेंगे और जो बड़ा है वो कितना है 60 डिग्री है, और नदी किनारे 4 मिनट पश्चात उसी नाव में से हमारा क्या 60 डिग्री बन रहा था, 4 मिनट के पश्चात यहाँ पे 4 मिनट आ जाएंगे, यहां से यहां तक का हमें क्या वो निकाल लेंगे हमें। फिर पूछा गया पहुंचने में कितना समय लगेगा, इमारत के पास पहुंचने में लगा समय हमको बताना है, हम मान लेंगे पॉइंट ए बी और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जी अली जो इमारत बनी हुई है हमारे पास नाव की, इसको मान लें ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास सी और डी, सारे पॉइंट बन गए। अब ये नदी का प्रकाश पानी यहाँ पड़ रहा है, अब हमें क्या जानते हैं हमारे पास दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज से बहुत आसानी के साथ में। अब देखिए यहां से हमें निकालना क्या है, किनारे तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, किनारे तक पहुंचने में समय कितना लगेगा तो हमें बताना है समय कितना, बहुत आसान लिखेंगे, माना नाव को इमारत तक पहुंचने में लगा समय कितना है, एक्स मिनट है ठीक, एक्स मिनट है, देख लेंगे एक्स मिनट है कि नहीं अभी देखते हैं बताते हैं आपको ठीक। तो माना इमारत में लगा सा क्या एक्स मिनट है, तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी, इसको मान लिया हमने मकान की ऊंचाई h, बी सी डी में तो ज्यादा आएगा हमारे पास 60 डिग्री बराबर आ जाएगा, लंब बटे क्या रहेगा आधा, 60 का मान होता है √3, ये रहेगा h अपॉन x, तो h बराबर आ जाएगा √3 इंटू में x, क्वेश्चन फर्स्ट। अब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तब जी आ गया हमारे पास 30 बराबर आ जाएगा हमारे पास लंब बटे, जी पूरा आ जाएगा हमारे पास, देखो डायग्राम आपने बना लिया होगा, ये जाएंगे 4 प्लस का x यहां से यहां तक पूरी, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे लंब बटे आधार, तो जाएंगे 4 प्लस का x, तो जाएंगे 30 का मान होता है 1/√3 बराबर जाएंगे एच अपॉन 4 प्लस x, तो इसमें प्लेट देते जा जाएंगे हमारे पास 4 प्लस x बराबर आ जाएंगे हमारे पास कितना √3 इंटू में एच, क्वेश्चन सेकेंड। तब लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो यह आ जाएगा एच का मान वहां रख देंगे, तो ये चाहेंगे 4 प्लस x बराबर √3 इंटू में आ जाएगा √3x, तो जो जाएंगे हमारे पास 3x, तो 4 बराबर जाएंगे 3x माइनस का x, तो यह आ जाएंगे हमारे पास 2x, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 4/2, तो बराबर आ जाएंगे 2 मिनट, यही हमारा क्या हो गया आंसर। नाव को लिख लेंगे, अतः नाव को इमारत के पास पहुंचने में
में लगेगा क्या समय हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। तो जो हो गया आपका आंसर 15 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास सॉल्यूशन। अब बताते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, बहुत आसान है। 16 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लिखा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। भवन की ऊंचाई दी है कितनी, 20 मीटर हमने मान लिया। जो भवन की दीवार हमारे पास ये कितनी है आपको दिखा देते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाते हुए, कितनी है 20 मीटर की है, ठीक। और अब हमको क्या, उसी के ऊपर संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें निकालना है। ये हमारे पास यहां से हमने मान लिया, जी हमारी भूमि से यहां से हमने ये एंगल हमें दिया कितना 20 मीटर ऊंची है, तो इसका एंगल कितना दे रहा हमारे पास 45 डिग्री। अब इसी की जो संचार मीनार है ये हमें निकालना है यक्स, ये कितनी है ऊंची, इसका जो एंगल दे रहा है वो हमारे पास कितना दे रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक। हमने जान गए, अब हमको निकालना, हमने मान लिया एक्स मीटर, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं, तो ये हमने मान लिया एक्स, दिया गया ए बी सी और डी, डायग्राम बन गया, आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब लिखेंगे माना, माना हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है टोटल, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है एच मीटर है, ये टोटल हमने मान ली एच मीटर, यहाँ पे नीचे एक्स मान चुके हैं स्मॉल एच मान लेंगे जी। अब देखिए यहाँ पे हमको डायग्राम बन गया हमारे पास, डायग्राम बनाते ही हमारा सोल्यूशन हो गया पूरा। अब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से यह जाएगा हमारे पास, जैसे ए बी सी में एंगल कितना 10 45, 10 45 बराबर जाएगा लंब टे आधार, तो आ गया हमारे पास 20, 10 45 का मान क्या होता है एक, तो ज्यादा आएंगे 20 बटे यक्स, तो यक्स बराबर कितना जाएगा 20 मीटर, हमको यक्स का मान मिल गया 20 मीटर। अब निकालेंगे जी टोटल हमारे पास एच होता है, तो यच बराबर कितना जाएगा स्मॉल एच प्लस के 20। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, जब ए बी डी ले लेंगे तो ए बी डी क्या जाएगा हमारे पास 10 60 डिग्री बराबर आ जाएगा लंब प्लस का एच प्लस का 20, आधार हमारे पास यक्स। 10 60 का मान हमारे पास होता है क्या, आप लोग जानते होंगे √3 एच प्लस जा जाएगा 20 बटे यहाँ पे भी आ जाएगा 20, ये हो जाएंगे एच बराबर जाएंगे 20 √3 माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना 20 √3 माइनस का हो जाएंगे हमारे पास इधर आ जाएंगे तो जाएंगे हमारे पास 20, तो यहाँ 20 का मान मिल जाएगा तो बचेंगे √3 माइनस का 1, ये आ गया एच का मान, ठीक। तो लिख लेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हमारे पास है 20 √3 माइनस 1 मीटर है, जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17। जो देखिए आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन दे रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा बहुत आसान है 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से क्या, ठीक है, लिखा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है, बहुत आसान है, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा समुद्र तल से 75 मीटर, समुद्र तल से 75 मीटर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा। अब बताते हैं हम समुद्र तल से कितना 75 मीटर ऊंचे, ये हमारा तल है, यहां से कितना ऊपर है 75 मीटर हमने मान लिया, सॉरी 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, हमारे पास अवनमन कोण है दो समुद्री जहाज हैं, हमने मान लिया कहां तक, ये देखो समुद्री जहाज, इनके अवनमन कोण उसने क्या
एक का दे दिया तुम्हें कितना 45 डिग्री और एक का दे दिया कितना 30 डिग्री। तो लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे की पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। अब जे 30 इधर है तो जे 30 इधर आ जाएगा, जे 45 इधर है तो जे 45 इधर आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास ए बी सी डी। तुमसे सीधे सीधे उसने पूछा है कि 75 मीटर ऊंची है तो यहां तक की दूरी बताइए दोनों जहाजों की, ठीक ठीक बताना है। कैसे बताएंगे? बहुत आसान है। हमने माना यहां पर हमारे पास यक्स है और यहां पर हमारे पास वाई है। अभी देखिए हम वाई के निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो त्रिभुज ले लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में यह आ जाएगा 10। 45 बराबर आ जाएगा, ये होता लंब, जी होता आधार, 90 के सामने वाला कर्ण, लंब कर्ण के सामने वाला लंब, बाकी जो बचा वो आधार। तो लंब बटे आधार कितना है वाई। 10 45 का मान होता है हमारे पास 1, यह जाएंगे 75/y। तो वाई बराबर कितना आ गया 75 मीटर। एक तो 75 मीटर आ गई हमारे पास। अब दूसरी तो जीरो जाएगा, टोटल एक्स प्लस का वाई, जब पूरा ले लेंगे एंगल हम, तब आ जाएगा हमारे पास समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में तो आ जाएगा 10 30 डिग्री बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार एक्स प्लस वाई। अब 10 30 का मान हमारे पास होता है, आप लोग जानते होंगे 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। आपको बताए 1/√3 रख देंगे हम यहाँ पे, तो जा जाएंगे ये हो जाएंगे 75/x+y का मान यहाँ पे भी रख देंगे 75। इसके बाद गुणा जाएगा तो x बराबर आ जाएंगे 75√3 और ये आ जाएंगे हमारे पास क्या प्लस 75 बराबर। डिसम्प्लाट दे तो x का मान आ जाएगा, ये हो जाएंगे 75√3 माइनस 75। तो इधर से हम क्या x बराबर ले लेंगे तो जा जाएंगे हमारे पास 75 कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे √3 माइनस का 1, जो होगी हमारे पास क्या अभीष्ट दूरी। लिख लेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच अभीष्ट दूरी कितनी हो जाएगी 75√3 माइनस 1 होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको बताया गया। देखिए पूरे क्वेश्चन, आप इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर वीडियो को आप लोगों ने देखते देखते अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा, दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। कल फिर मिलते हैं नए जोश नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। बाय बाय।